फाइनली आपका चैनल मोनिटाइज हो चुका है और गूगल एडसन पिन भी वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ तक आपने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत किए चैनल को मोनिटाइज कराने के लिए, जैसे कि 1000 सब्सक्राइब लगता है, 4000 घंटा वॉच टाइम लगता है, तो बहुत आपने मेहनत किए। उसके बाद आपको गूगल एडसन अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल्स बताऊँगा कि आपका जो गूगल एडसन अकाउंट है उसमें बैंक अकाउंट कैसे अटैच किया जाता है। उसको अटैच करके आप अपना जो भी गूगल एडसन अकाउंट में पैसा डॉलर है अपना खाते में ले सकते हैं। और एक बात बता दूँ, ध्यान रखना कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें स्विफ्ट कोड जरूरी है। आपको अगर पता नहीं है स्विफ्ट कोड तो आप कोई भी जिस बैंक का आपको खाता है उस ब्रांच में जाना है, ब्रांच मैनेजर से बात करना है कि हमको स्विफ्ट कोड चाहिए इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, तो आपको ब्रांच मैनेजर बता देगा कि आपको स्विफ्ट कोड कौन सा है। अगर वो बताता कि मेरा बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो वो अपना जो भी वो ब्रांच का लिंक है, दूसरे ब्रांच है उसका लिंक है, उस ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड दे देगा। उसके बाद आप आसानी से उस बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। अगर स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो आप अटैच नहीं कर सकते हैं और आपका गूगल एडसन का पेमेंट नहीं ले सकते हैं। जिस बैंक का आपका स्विफ्ट कोड है, स्विफ्ट कोड मैंडेटरी है, आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मैं वर्क फ्रॉम होम वीडियो भी डालते रहता हूँ और यूट्यूब रिलेटेड वीडियो भी डालते रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो देख सकते हैं मैं अपना होम पेज में आ चुका हूं। उसके बाद पेमेंट में नीचे देख सकते हैं, यहाँ पेमेंट में क्लिक कर दीजिएगा। पेमेंट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ चुका हुआ आपके सामने। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जितना डॉलर है ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे एड टू पेमेंट मेथड, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ चुका है आपके सामने। यहाँ देख सकते हैं इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट में जो भी आपका नाम है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे ये बैंक नेम, आपका जो भी बैंक अकाउंट का नाम है उसमें इसमें डाल दीजिएगा, कौन सा बैंक का अकाउंट का नाम है उसमें इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आईएफएससी कोड, जो बैंक का आईएफएससी कोड होता है उसमें वो डाल दीजिएगा आईएफएससी कोड। उसके बाद आपको जो पहले बता चुका हूं मैं, जो आपका स्विफ्ट कोड होता है बैंक का, उस स्विफ्ट कोड को यहाँ डाल दीजिएगा। और नीचे आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर को आप यहाँ डाल दीजिएगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। दोबारा फिर यहाँ अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद नीचे आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ क्लिक करके सेव में क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं अपना सब फटाफट अभी डाल लेता हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, आप भी डाल लीजिएगा आपका जो भी नाम है बैंक अकाउंट में। तो मैं अपना नाम डाल चुका हूँ। इस तरीके से आप पूरा फॉर्म को भर दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैं अपना सब फॉर्म को फिलअप कर चुका हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जाइएगा, नीचे जाके आप सिंपली यहाँ सेव में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। आपको उसके बाद आप अपना पेमेंट को अपना अकाउंट में ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आप भी पूरा चेक कर लीजिएगा जो भी सही है आपका, सही डाले हैं कि नहीं पूरा आप चेक कर लीजिएगा पहले। उसके बाद सिंपली आप सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा, सेव में क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं सिंपली सेव में क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। आपको फिर नया पेज आएगा, देख सकते हैं बैंक ट्रांसफर बैंक अकाउंट, यहाँ देख सकते हैं ये सेव हो चुका है दोस्तों। तो आप इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट को अपना गूगल एडसन में जोड़ सकते हैं इस तरीके से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो मैं डालते रहता हूँ। और कोई भी परेशानी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताना, मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।